वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंडोर खूबसूरत प्लांट एरिका पाम के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। एरिका पाम जो है दोस्तों एक सजावटी पौधा है और ये अफ्रीकन प्लांट है। अफ्रीका में ये बहुतायत से ये पाया जाता है और इसकी जो लीफ होती हैं काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं और एक पंख का आकार बनाती हैं दोस्तों। तो ये चूँकि एक सजावटी पौधा है तो आपको ये होटल्स में, रिसॉर्ट में और घरों में भी इस पौधे की बहुत डिमांड होती है दोस्तों। एरिका पाम दोस्तों वास्तु के अनुसार भी बहुत शुभ माना जाता है और घर में रखने से इसमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना देता है दोस्तों। एरिका पाम की एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों कि जो भी जहरीले तत्व होते हैं और इसके अलावा दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन सभी को ये सोख कर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। इसकी लीफ देखिए कितनी खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियाँ। ये दोस्तों मेरे 24 इंची दोस्तों गमले में ये लगा हुआ है और ये करीब 3 साल पुराना प्लांट है जो कि काफ़ी हाइट इसकी हो चुकी है, करीब 14 फुट इसकी हाइट हो चुकी है और ये मैंने अपने गार्डन में रखा है दोस्तों। इसको माहौल किस तरीके का चाहिए दोस्तों, तो इसको छनी हुई धूप पसंद है। तो जहाँ पर छन की धूप आती हो, अगर छन की धूप नहीं भी आती हो, तेज़ धूप आती हो, तो आप 1-2 घंटे की धूप इसको सुबह की दिखाकर और इसको छाया आपको प्रदान करना है दोस्तों। अगर आप इसको धूप में रखेंगे ज़्यादातर तो दोस्तों इसकी जो लीफ हैं ये लीफ इसकी पीली पड़ना शुरू हो जाती है और लीफ ही इसकी खूबसूरती होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पुरानी लीफ होती हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पुरानी लीफ क्या है वो सूखने लगती हैं। तो जितनी भी पुरानी लीफ हैं आप उसको कट करके और निकालते जाइए दोस्तों। पुरानी लीफ आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है दोस्तों इस प्रकार से। अब देखिए पुरानी लीफ निकलने पर दोस्तों इसकी खूबसूरती देखिए। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है दोस्तों। जहाँ तक इसकी खाद की बात है तो दोस्तों इसको कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट साल में 2 बार या काउ डंग 2 बार आप इसमें बस डाल दीजिए और इसकी गुड़ाई कर दीजिए दोस्तों। गुड़ाई करने से क्या होगा कि इसकी मिट्टी जो है वो पोली हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी और अंदर जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। तो इस वजह से दोस्तों फिर इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इस प्रकार से आपको इसकी गुड़ाई कर देना है। अब इसमें पानी कब देना है, पानी के लिए क्या है दोस्तों, जब आप देखेंगे कि ये जो है इसकी मिट्टी जो है करीब 3 से 4 इंच इसकी मिट्टी जब ड्राई आपको दिखे तभी इसमें आपको पानी देना है। इस प्लांट में दोस्तों ज़्यादा पानी देने से भी ये प्लांट की जड़ें जो हैं वो सड़ने लगती हैं और ये पौधा ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो हमको पानी इसमें ज़्यादा नहीं देना है। आम तौर पर दोस्तों इसमें कोई फंगीसाइड का अटैक होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई फंगीसाइड इसमें है तो जो लकड़ी की जो राख होती है आप गमले के चारों तरफ 2 मुट्ठी का छिड़काव कर दें या नीम ऑयल का आप 4-5 बूंद 1 लीटर पानी में इसकी पत्तियों में और इसकी जो जड़ें हैं उसमें छिड़काव कर दीजिए तो ये पूरा पौधा जो है इसी प्रकार दोस्तों हेल्दी बना रहेगा।
अब जहाँ तक इसकी प्रोपेगेशन की बात है दोस्तों, तो प्रोपेगेशन इसका जो क्या है कि इसके साइड से काफ़ी वो निकलती हैं, सूट्स निकलते हैं, तो उन सूट्स को आप गहराई में और कैंची को ले जाके और उसको कट करके एक नया पौधा दोस्तों आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें से कई पौधे दोस्तों बनाए हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, ये इसी के द्वारा बनाया गया एक बेबी प्लांट है दोस्तों, ये देखिए। तो ये पौधा जो है दोस्तों, यहाँ से इसका सूट्स निकल रहा था तो मैंने उसको नीचे से गहराई में ले जाके और इसको कट कर दिया है दोस्तों, तो एक ये नया पौधा आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो इसका प्रोपेगेशन बहुत आसान है दोस्तों, और इससे पेड़ में क्या है दोस्तों, फल भी आते हैं, ब्राउन कलर के इसमें गोल गोल फल आते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्रिटी लगते हैं दोस्तों। तो एरेका पाम बहुत ही कमाल का पेड़ है दोस्तों, इसको आप अपने घर में जरूर स्थान दीजिए, आपकी बगिया जो है इसके आने से बहुत ही शानदार हरी भरी हो जाएगी दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। एक नया वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी डे।